फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा के लिए हमने सॉस पहले रेडी कर लेंगे। इसके लिए 4 टमाटर ले लिए हैं, ये लहसुन की कलियाँ हैं। इस टमाटर को हमने थोड़ी थोड़ी सी कट कर लेंगे। देखिए ऐसे ही कट कर लेंगे। कटिंग कर लिए हैं, अब इसको उबाल देते हैं। ये हमने पानी गर्म होने दिए हैं, इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक हम पकाएंगे। देख सकते हैं मेरा ये उबल के स्किन इसका छोड़ दिया है। अभी इसको हम अच्छे से स्किन निकाल लेंगे। गरम है, ठंडा हो गया है कुछ। ऐसे ही सारे का स्किन हम उतार लेंगे। फिर छिलका उतार लिए हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब इसको जार में डाल के इसमें लहसुन की कलियां डाल देते हैं, इसको पीस देते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको पीस के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। पैन में 2 चम्मच तेल ले लेंगे। इसमें चिली डालेंगे, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे हम 2 मिनट तक। इसको धीमी आंच पे पकाएं, नहीं तो इसका बबल्स उड़ने लगते हैं। देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक। एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, इससे कलर बहुत सुंदर आता है। देख सकते हैं कितने सुंदर कलर आए हैं। इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। थोड़ी सी 2 चम्मच जितनी इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। ये मेरा रेडी हो गया, ये मेरा पिज्ज़ा सॉस रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ डो की तैयारी करने। ये 250 ग्राम हमने मैदा ले लिए हैं, और ये दही है, ये रिफाइंड ऑयल है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, और पानी ले लिए हैं। चलिए हम इसको गूंथते हैं। हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिए हैं। आधी चम्मच बेकिंग सोडा, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें दही 1-1 चम्मच करके डालते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाएं। एक चम्मच चीनी भी डाल देंगे।
इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। नमक भी डाल देंगे आधी चम्मच, इसमें और दही पड़ेगा, दही सब डाल दिए, तो अच्छे तरह से मिलाएंगे। देखिए अच्छे तरह से मिल गए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक कप पानी हमने लिए थे। देखिए अच्छे तरह से मिला लें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक बार में पूरा पानी नहीं डालिए, थोड़ी थोड़ी सी पानी डालिएगा, नहीं तो गीला हो जाने से अच्छा नहीं बनेगा। इसको अच्छा तरह से हम मिला लेंगे, अच्छी तरह से पूरा मसल मसल के ये डो को हमने रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से मिल गया। देख सकते हैं डो मेरा रेडी है। इसमें हाथ में तेल थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह से 2 मिनट और मसल मसल के हम इसको चिकना कर देंगे। डो मेरा रेडी हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से फूल गए हैं। इसको आधा घंटे तक हम इसको आधे घंटे तक ढक के हम रख देते हैं। उसके बाद ये बेस बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। देखते हैं ये आधे घंटे हो गए, डो फूल के रेडी हो गया। इतने अच्छे तरह से दबाने से फूल के आ रहे हैं। तो चलिए हम पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। ये डो ले लेंगे, इसको 3 डिवाइड करेंगे। एक बना के हम शुरू करते हैं। अच्छे तरह से इसको गोल करें, अब सूखी आटा लगा लिए। अब इसको धीरे धीरे बेलेंगे। ये इसके लिए हम दूसरा बनाना शुरू करते हैं। अब इसको भी बेल दें और अच्छे तरह से, जब तक उधर मेरा पक रहा है तब तक इसका बेल के स्टफिंग करके रेडी कर देती हूँ। सूखी आटा लगा लेते हैं। देख सकते हैं अच्छे तरह से हम गोल बेल लिए हैं इसको। अब इसको एक प्लेट में डाल देंगे, इसमें सूखे मैदे थोड़ा सा लगा लेंगे, इससे आपका चिपकेगा नहीं। अब इसमें पिज्जा बेस ऐसे डालेंगे, इसको अच्छे तरह से चम्मच से, कांटा वाला चम्मच से आप छेदा कर देंगे, दूर दूर पे करेंगे जिस इसके कारण अब फूलेगा नहीं। ऐसे मेरा पैन गरम हल्का हो गया, इसमें नमक डालेंगे, ये मेरा यूज किया हुआ नमक है। इसको अच्छे तरह से अब इसमें हम फ्लेम डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक धीमी आंच पे गरम कर देंगे। चलिए
उधर गर्म हो रहा है तब तक हम पिज्जा बेस को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सब्जी है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, ये चटनी है, ये मीठी चटनी है पिज्जा सॉस, ये तीखी वाली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, चाहे तो जाके देख सकते हैं। ये तीखी वाली थी। चलिए इसमें हम पहले सॉस लगाएंगे, पहले तीखी वाली लगाएं, इसको अच्छे से चारों तरफ मिला लेंगे। देखिए ये तीखी चटनी हम मिला लिए हैं, अब मीठी चटनी डालेंगे इस पे। दोनों का टेस्ट अलग अलग है। अब इसमें टॉपिंग डालेंगे हम, प्याज डाल देते हैं, ये खाने के ऊपर है, किसी किसी को ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। ज़्यादा खाने वाला आदमी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाने वाला कम डाल सकता है। सब्जी अपने पसंद का डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। शिमला मिर्ची डालते हैं, शिमला मिर्ची भी आप अपने हिसाब से देखिए, देख के। बच्चे इसको खाना कम पसंद करते हैं, जितना जो खा सके वो अनुसार डाल सकते हैं आप। टमाटर डालते हैं, टमाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं पतले पतले करके थोड़ा सा डाल देती हूँ, किसी किसी को बहुत पसंद है। अब मैं इसके ऊपर से चीज़ डाल देती हूँ। चलिए मैं चीज़ डाल देती हूँ, इसको क्रश करके अच्छे तरह से डाल लें चारों तरफ से। इसको अच्छी तरह से डाल लेते हैं। देख सकते हैं इस पे चीज़ अच्छे तरह से मिला दिए हैं। ऊपर से आप एक दो ठो प्याज भी लगा सकते हैं। अब इसको इसलिए हम देखिए, ये मेरा गरम हो गया 2 मिनट तक। अब इसको हटा लिए, अब इसमें पिज्ज़ा डाल देते हैं। अब इसको ढक देते हैं, अब इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे, अच्छे से ऊपर से दिखने लगेगा। चलिए अब दूसरा हम पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा पिज्ज़ा बनके रेडी हो गया। अब इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर ये लेयर मेरा बनके रेडी हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे। ऊपर से आप चिली फ्लेक्स डाल दें, जिसको नहीं खाना है वो नहीं डाल सकते हैं। देखिए बन के रेडी हो गया, कितने सुंदर से देखने में, कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।